आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 10 साईफाई मूवीज पार्ट 1। सभी मूवीज हिंदी में अवेलेबल हैं और सभी एक से बढ़कर एक हैं। नंबर 10 पर है सप्लाइज। ये एक साईफाई हॉरर मूवी है जो 2009 में रिलीज की गई। इसे रेटिंग्स मिले हैं 5.8 आउट ऑफ 10 IMDB पर। मूवी की कहानी फॉलो करती है एक साइंटिस्ट कपल को जो ह्यूमन और एनिमल के DNA को मिलाकर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इसके बाद जिस चीज़ का जन्म होता है वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे में इनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ये मूवी 1 hour 44 minutes की लेंथ के साथ प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। आप इसे हिंदी इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पर है दी आइलैंड। ये एक साईफाई एक्शन मूवी है जो 2005 में रिलीज की गई। इसे रेटिंग्स मिले 6.8 आउट ऑफ 10 IMDB पर। मूवी की कहानी एक ऐसी रेजिडेंशियल प्लेस पर सेट है जहां पर लोगों को महफूज रखा जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कुछ लोगों को वहां के डार्क सीक्रेट्स पता चलते हैं। और ये अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलते हैं और पूरी दुनिया हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाती है। स्टार कास्ट, मूवी की स्टोरी, सब कुछ परफेक्ट है। 2 hour 16 minutes की लेंथ के साथ ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आप इसे हिंदी इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पर है प्रोमीथियस। ये एक साईफाई हॉरर मूवी है जो 2012 में रिलीज की गई। इसे रेटिंग्स मिले 7.0 आउट ऑफ 10 IMDB पर। मूवी की कहानी फॉलो करती है एक क्रू को जिन्हें एक ऐसे मिशन पर भेजा जाता है जहां से जिंदा लौटने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं। मिशन में इन्हें एक ऐसा प्लैनेट मिलता है जहां पर इन्हें बहुत सी अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। स्टार कास्ट में आपको चार्लिस थेरन और अदरीस एल्बा देखने को मिलेंगे। ये मूवी 2 hour 4 minutes की लेंथ के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आप इसे हिंदी इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पर है इनविजिबल मैन। ये एक साईफाई हॉरर मूवी है जो 2020 में रिलीज की गई। इसे रेटिंग्स मिले 7.1 आउट ऑफ 10 IMDB पर। मूवी की कहानी फॉलो करती है सेसिलिया को जिसके एक्स हस्बैंड की डेथ के बाद इसे अनबिलीवेबल चीजें दिखाई देने लगती हैं। और वो ऐसी अजियत में पहुंच जाती है कि लोग इसे पागल समझना शुरू कर देते हैं। और एलिजाबेथ मॉस की एक्टिंग ने जिस तरह मूवी में जान डाली, मूवी का लेवल बढ़ा दिया। ये मूवी 2 hour 5 minutes की लेंथ के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आप इसे हिंदी इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पर है डोंट लुक अप। ये कॉमेडी डिजास्टर मूवी है जो 2021 में रिलीज की गई। इसे रेटिंग्स मिले 7.2 आउट ऑफ 10 IMDB पर। मूवी की कहानी फॉलो करती है दो लो लेवल के एस्ट्रोनॉमर्स को जिन्हें अचानक से पता चलता है कि दुनिया कुछ दिनों में खत्म होने वाली है, और इस पर डिस्कस करने के लिए वो प्रेजिडेंट से मुलाकात करते हैं और कोई भी इनकी बात को सीरियस नहीं लेता। मूवी में कॉमेडी के साथ साथ कुछ एडल्ट सीन भी हैं, इसलिए मूवी 18+ है। ये मूवी 2 hour 5 minutes की लेंथ के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आप इसे हिंदी इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पर मेरी पर्सनल फेवरेट अलीटा बैटल एंजल। ये एक साईफाई एक्शन मूवी है जो 2019 में रिलीज की गई। इसे रेटिंग्स मिले 7.3 आउट ऑफ 10 IMDB पर। मूवी की कहानी फॉलो करती है एक साइबोर्ग को जिसे एक डॉक्टर बनाता है, और इसे बाद में पता चलता है कि इसमें एक सोल है और वो अपने पास्ट को ढूंढने निकल पड़ती है। ऐसे में इसे बहुत सी रुकावटें आती हैं। मूवी का एक्शन और इसकी स्टोरी एकदम यूनिक है। कुछ जगहों पर थोड़ी इमोशनल जरूर होती है, लेकिन एक्टर्स की एक्टिंग और एक्शन स्टंट सब कुछ कवर कर लेते हैं। 2 hour 2 minutes की लेंथ के साथ ये मूवी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। नंबर 4 पर है अ क्वाइट प्लेस। ये एक हॉरर साईफाई मूवी है जो 2018 में रिलीज की गई। इसे रेटिंग्स मिले 7.5 आउट ऑफ 10 IMDB पर। कुछ ब्लाइंड क्रिएचर्स के कारण दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाती है। ऐसे में कुछ लोग बच जाते हैं। एक फैमिली जो साइन लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट करती है और जिंदा रहने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन हर छोटी से छोटी नॉइस इनके लिए मौत का कारण बनती है। एक ऐसी दुनिया जहां दूर दूर तक जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं, ऐसे में क्या वो बच पाएंगे? वो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर हिंदी में अवेलेबल है।
नंबर 3 पर है अराइवल। ये एक साईफाई थ्रिलर मूवी है जो 2016 में रिलीज की गई। इसे रेटिंग्स मिले 7.9 आउट ऑफ 10 IMDB पर। मूवी की कहानी फॉलो करती है एक ऐसी साइंटिस्ट को जो साइन लैंग्वेज में एक्सपर्ट होती है। जब जमीन पर एक एलियन स्पेसशिप उतर आती है, ऐसे में गवर्नमेंट इनसे कम्युनिकेट करने के लिए इसे हायर करती है। इन एलियन से कम्युनिकेशन के दौरान कुछ ऐसे वाकये होते हैं जो फिल्म को काफी थ्रिलिंग बना देते हैं। ये अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म 1 hour 56 minutes की लेंथ के साथ प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। आप इसे हिंदी इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर है मार्टियन। ये एक साईफाई ड्रामा मूवी है जो 2015 में रिलीज की गई। इसे रेटिंग्स मिले 8.0 आउट ऑफ 10 IMDB पर। एक क्रू को मार्स मिशन पर भेजा जाता है, लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से इन्हें इस प्लैनेट को छोड़ना पड़ता है। ऐसे में इस क्रू का एक मेंबर पीछे छूट जाता है। एक ऐसा प्लेनेट जहां ऑक्सीजन की कमी और खाने की किल्लत के साथ सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। जिंदा रहने की उम्मीद के साथ वो स्ट्रगल करता है। ऐसे में क्या वो जिंदा बच पाएगा, वो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। 2 hour 24 minutes की लेंथ के साथ ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आप इसे हिंदी इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पर है ब्लेड रनर 2049। ये एक साईफाई एक्शन मूवी है जो 2017 में रिलीज की गई। मूवी की कहानी फॉलो करती है लॉस एंजलस के एक पुलिस ऑफिसर को जो एक सीक्रेट की तलाश में पहले ब्लेड रनर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो कई सालों से लापता होता है। टॉप लेवल का एक्शन और जिस तरह के VFX क्रिएट किए मूवी को सीधा नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। ये राइन गोजलिंग की बेस्ट 3 मूवीज में से एक मानी जाती है। बॉक्स ऑफिस में इस मूवी ने $259 million का बिजनेस किया। ये मूवी 2 hour 43 minutes की लेंथ के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।